उधर फेसबुक हेट स्पीच के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि बीजेपी के नेता गलत जानकारी और नफरत फैलाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने फेसबुक के अधिकारियों से सांठगांठ भी की है, जिससे सोशल मीडिया पर वो नियंत्रण बनाए हुए हैं। प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेता पर भड़काऊ पोस्ट फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद फेसबुक की ओर से कोई एक्शन नहीं लेने की भी एक रिपोर्ट साझा की है। अपनी पोस्ट में प्रियंका गांधी ने लिखा, भारत के ज्यादातर मीडिया चैनल के बाद अब सोशल मीडिया की बारी। भारतीय जनता पार्टी नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करती थी और अभी भी कर रही है। और फोन लाइन पर हमारे साथ अमरजीत मिश्रा, महामंत्री बीजेपी मुंबई से जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमरजीत जी, जिस तरह से पहले राहुल गांधी का एक दावा सामने आया, राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, इन पर नियंत्रण कर रही है। और अब उनके बाद प्रियंका गांधी ने भी सेम ही बात कही है। उन्हीं की तरह प्रियंका गांधी भी अब बीजेपी को सवाल के घेरे में खड़ा कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह देश ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि आदरणीय राहुल गांधी का विवेक कैसा है। लेकिन आश्चर्य तो है कि जब प्रियंका गांधी भी उनके सुर में सुर मिला रही हैं, मुझे लगता है कि ये जिस तरह की सोच है, ये सोच ही उसमें खामी है। जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया कोई एक पार्टी या एक व्यक्ति नहीं चलाता, एक व्यक्तियों का समूह चलाता है, लोग चलाते हैं, और लोग चलाते हैं तो उसको जनादेश माना जाना चाहिए। एक लोगों में जो इस तरह का एक बन रहा है, तय हो रहा है, निर्णय हो रहा है, उस निर्णय का स्वागत करना चाहिए या फिर आपको उसके खिलाफ उतरना चाहिए। जब आप लोगों की भावनाओं को समझेंगे नहीं, सोशल मीडिया पर वही हो रहा है जो लोग कह रहे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं चला रहा है। इतनी बड़ी फेसबुक या व्हाट्सएप को केवल एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह चलाता तो ऐसा लगता कि जैसे कोई निर्णय अनिर्णय की स्थिति होती। लेकिन जब व्यक्ति एक वातावरण में हो गया है, लोग चला रहे हैं, तो उसका आपको स्वागत करना चाहिए या उसके अपने विवेक को ठीक करना चाहिए। आत्मचिंतन करने की बजाय वो इस तरह की बात करना है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अमरजीत जी, प्रियंका गांधी कहती है कि बीजेपी नफरत फैला रही है, क्या है ऐसा कुछ? आप बीजेपी नफरत फैला रही है, इसका एक सबूत जी वो दिखाएं। और यदि इस देश में आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को ठीक करने का काम और जनता के मन के मुताबिक काम ठीक करने का काम यदि किया गया है और इसे वो नफरत की संज्ञा दे रही है, तो हाँ, ये नफरत किया जाएगा। अगर पूरे देश की जनता कोई चीज चाहती है और उनके मत के मुताबिक काम किया जा रहा है तो उनको ये नफरत फैलाना लगता है तो ठीक है जी। अमरजीत जी, और साथ ही ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर आए दिन पार्टियां अलग अलग तरह के ट्वीट करती है, दूसरी पार्टियों पर निशाना साधती है। आप किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और इस तरह की प्रतिक्रियाओं को देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि प्रियंका गांधी ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं और जिस तरह से वे उत्तर प्रदेश सरकार की छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करती हैं और
वो पब्लिक में उतर कर कोई काम तो करती नहीं है, लेकिन ट्विटर पर बहुत सक्रिय होती हैं, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग वो करती हैं और छोटी छोटी बातों को संज्ञान में लाने की कोशिश करती हैं, वो बातें भी लाती हैं जो वास्तव में घटित नहीं हो रही होती है, उसके भी खिलाफ बोलती हैं। तो क्या उनको वो दिखाई नहीं पड़ता कि महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है, इसी तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही हैं, उससे ज्यादा हो रही हैं। लोग आज कोविड से पूरा देश परेशान है और सबसे ज्यादा परेशान हलाकान महाराष्ट्र है। ऐसे में वो महाराष्ट्र के संदर्भ में एक ट्वीट नहीं करती हैं। मैं तो मानता हूं कि आप गुड़ खाती हैं, गुलगुले से परहेज कर रही हैं। आप एक तरफ तो सोशल मीडिया का बहुत उपयोग कर रही हैं, लेकिन जब आप जनता का एक व्यू बनाने में असफल हो रही हैं तो आप सोशल मीडिया को दोषी दे रही हैं। जी अमरजीत जी, और साथ ही अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की ओर से सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ही ट्वीट सामने आते हैं, और भी कई बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी ओर से कभी इस तरह की प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली, सिर्फ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही इस तरह के ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। देखिए, खबरों में बने रहने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर सोशल मीडिया को दोषी देने का काम करने का जो नुस्खा है वो कोई प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से सीखे। आप जिस स्टेज पर खड़े हैं उस स्टेज को ही गरिया रहे हैं, इससे आपके विवेक का अंदाजा देश को लग रहा है। और इसलिए जब आप अपने फॉलोअर्स नहीं बना पा रहे हैं, जब आप अपनी बातों को जो बात कह रहे हैं उसके समर्थक तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बेमानी है इस तरह की बात बोलना। जी अमरजीत जी, और साथ ही इस वक्त पूरा देश और साथ ही पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन इसे लेकर भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए, इसे लेकर भी वो चुप नहीं बैठे। देखिए, आप केंद्र सरकार को जिस तरह से दोषी मानती हैं प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि जिस तरह के स्वास्थ्य इंतजाम होने चाहिए वो राजस्थान में नहीं है, जिस तरह के स्वास्थ्य इंतजाम होने पूरी दुनिया पूरे देश में, अगर लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कहीं आते हैं तो मुंबई आते हैं, उस मुंबई की जो हालत है इस समय वो कितनी दर्दनाक है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं प्रियंका गांधी, नहीं उस पर बोल रही हैं, नहीं उनकी मदद के लिए कहीं आ रही हैं। ये दो नेता ऐसे हैं इस देश के जो ना कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, केवल सोशल मीडिया पर ट्वीट करके तमाशा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि पहले राहुल गांधी की ओर से दावा किया गया कि फेसबुक और व्हाट्सएप जो ऐप्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से संचालित किए जा रहे हैं, लोग उनके कहने पर ही इन ऐप्स का इस्तेमाल उन्हीं के तरीके से कर रही है। और उसके बाद अब प्रियंका गांधी की ओर से भी इस तरह का ट्वीट सामने आया जिसमें प्रियंका गांधी बीजेपी पर तमाम तरह के सवाल खड़े करती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी का कहना है कि बीजेपी नफरत फैला रही है।